बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म कलंक के प्रमोशन में बिजी हैं। वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर के साथ वो कई प्रमोशनल इवेंट्स में जा चुकी हैं। आलिया खुद तो हर इवेंट्स में शिरकत कर रही हैं, लेकिन मेंटली देखा जाए तो वो कहीं और ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की रोमांटिक केमिस्ट्री को लेकर काफी चर्चाएं हैं। तो हुआ यूं कि कलंक के प्रमोशन के लिए एक इवेंट में पहुंची आलिया ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जहां आलिया बातचीत में बिजी थी, तो वहीं वरुण उनके बालों को छूकर उन्हें परेशान कर रहे थे। ऐसे में आलिया उन्हें मना करने लगी, लेकिन खास बात तो ये है कि आलिया ने वरुण की जगह रणबीर का नाम ले लिया। हालांकि उन्होंने रणबीर का पूरा नाम तो नहीं लिया, आधे में ही रुक गई। लेकिन ये तो जाहिर है कि उनका इतना बोलना ही इस बात का सबूत है कि आलिया वहाँ होते हुए भी मेंटली वहाँ नहीं थी। और उनके इतना बोलते ही उनके साथ बैठे आदित्य, सोनाक्षी और वरुण सभी हंस पड़े और आलिया ने ब्लश करते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। बता दें कि उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। साथ ही उनके फैंस को अब इंतजार है दोनों की शादी का। बीते दिन हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के भारत लौटने के बाद रणबीर आलिया की शादी की बात आगे बढ़ेगी। अब बात करें दोनों के वर्क फ्रंट की, तो बता दें कि दोनों ही अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। एक तरफ रणबीर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र में बिजी हैं, तो दूसरी तरफ आलिया की फिल्म कलंक रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों की तरफ से बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। वैसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है, थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए। हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये। बहुत ही एक्साइटेड है। हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बहुत है। अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। जफर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये। ये बोलते हैं जफ़र की बोली है बंदूक की गोली, तो जफ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे, आई होप वी कैन ऑल आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट। वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए। He has done some really grueling things for this film. For example, Kargil, he shot in minus two degrees, shirtless scene. He's done saying his dialogues. एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको. तो I am sure it'll all pay off. सो पॉजिटिव, एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन फीडबैक मिला है, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से बट यू नो इतने सारे जो फैंस हैं, इतने सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है, एंड जो ग्रैंडियर, जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो इट्स ऑल बीन रियली रियली पॉजिटिव। बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, and everyone's really excited, तो हमारी excitement भी वो बढ़ रही है उसी वजह से। But I think कलंक एक ऐसी फिल्म है where more than the industry, हम सब चाहते हैं कि audience को पसंद आए पहले। industry तो obviously important होता है हम सबके लिए, but that is something which you know एक
जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है. सो वी हैव आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म. या इट इज आई थिंक जिस तरह के द विजन द डायरेक्टर हैड द वे ही वांटेड टू माउंट द फिल्म इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन एक्सटेंडेड बजट व्हिच प्रोबेबली वी यू नो डिड नॉट हैव अर्लियर. But I also feel like that's why it's a very big cast. It's, you know, there are a lot of other actors, you know, all the actors coming together. And it's not just the four of us, even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, you know, we also have Kunal Khemu in the film. We also have Kiara in the film. All the actors are coming together to create this world because I think everybody was very inspired by the director's vision. So hum usi ke saath chal rahe, and, you know, sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. My question is to Aditya, Sonakshi, Alia. Varun ko marketing cheezes kaha jata hai. Unko humne kaha tha jab to wo bole the ki unko badnaam kiya ja raha hai. But why is it so that Varun is called the marketing genius of films? I think because he's very passionate about it. And there's no badnami in this. I think it's nahi, in fact it comes very naturally to him. Wo marketing enjoy karta hai, and I think he's got a very positive energy, and he tries to you know, it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. Huh? I think he's gifted when it comes to marketing, and बहुत कम लोगों को वो foresight होता है कि एक फिल्म को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मजेदार तरीके से सबका interest तो you know बांध के रखता है. I think that's very very nice. Varun, we are sorry. we are very proud of you. Thank you. You all four have been like, you all four have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-star film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. यू नो, एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकेंड फिल्म, इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ वी फो आपके सामने है, ऑब्वियसली दस माधुरी मैम एंड संजय सर हुआ लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट वी फो आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने. ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी हैड वेरी वेरी बिग हिट्स ऑब्वियसली, बट नो ऑब्वियसली यू बीन पार्ट ऑफ वेरी बिग फिल्म्स, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली टुगेदर दिस इज ऑल आर करियर्स बिगेस्ट फिल्म इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ स्केल. तो एक तरीके से एज यंग एक्टर्स दिस इज प्रेशर ऑन ऑल आर शोल्डर्स दैट वी हैव टू डिलीवर नाउ. And we have to showcase that we can be part of magnum opuses. Hum log bhi wo deliver kar sakte hai, audience accept kar sakte hai, and with a young director. Aisa nahi ki director ne bhi 5-6 film bana liye. It's his second film, you have to understand. And hero film ka hamesha director hi rehta hai, uska vision hai. So this is, aur Abhishek zyada bolte nahi hai, but hopefully after Kalank, you all will know the name Abhishek Verma. सर, अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में, अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है, वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को यू नो आइडलाइज, सो मच आइडलाइज किया है. करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई एम यू नो आई हैव डन अ फिल्म विद हर इन माय लाइफ टाइम, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म एज हर इज अ कंप्लीट ऑनर. वेल, आई थिंक एज सोना सेड, एवरी एक्ट, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very very encouraging for me to have her present there,
actually smiling at me and actually supporting me, you know, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. Well, पहले तो एक relief महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज के व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट. ये अपॉर्चुनिटी आई हैड टू कुड ओनली थैंक अभिषेक दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ए वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड ऑल्सो शेयर दिस iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like this. Okay, so जिस तरीके से हमने आपको काफी अलग अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजी हो, स्टंट होता है या वो, and now कल ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? I'm sure ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ तो I don't know. They'll have to come to me. But I'm sure there are so many, you know, amazing right now, like the world is our oyster. Like anything, there's such different kind of films being made. So yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it's original like, album. Yeah, it's an original soundtrack, it's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing. Yeah, keeping, it's very unique. Keeping yeah. In terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने. अरिजीत संग टू अमेजिंग सॉन्ग्स जो टाइटल ट्रैक है एंड फर्स्ट क्लास. आई थिंक इवन श्रेया घोषाल द्वेशी संग घर मोरे परदेसी एंड तबाह हो गए इज अनबिलीवेबल. ऑल्सो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑल द सिंगर्स, द प्रोग्रामर्स, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य. आई थिंक बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूजिक को भी रहना चाहिए. और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो इन ऑल द चार्ट्स 1, 2, 3 ऑल द सॉन्ग्स हैव पिक्ड अप, विच इज़ अमेजिंग, यू नो. एंड इट्स अ म्यूजिकल फिल्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हमारी फिल्में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम लोग म्यूजिक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं. और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नई चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूजिक और डांस हमेशा से रहे हैं, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट. सो दैट्स व्हाट्स गोइंग टू कम योर वे. यू गोइंग टू सी अ कंप्लीट हिंदी फिल्म फॉर एवरीवन. आपके लिए कितना डिफिकल्ट है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं, जो लुक काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप. आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग में वापस जा रही हूँ. मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी. बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बिजी रहना चाहिए. एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years. तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल. तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव व्हाट यू आर डूइंग, तो वो काम नहीं लगता. इट्स पैशन. बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में. ये काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि यू राइट, आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. पहली बात तो ये कि एक पीरियड फिल्म है, दैट्स अ फिल्म आई हैव नेवर डन अ पीरियड फिल्म बिफोर. तो उस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था. आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज आई कुड. काफ़ी फिल्में देखी पुरानी, किताबें पढ़े. माई कैरेक्टर्स, हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड था. तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, बिकॉज आई हैड टू फील समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर. आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट एंड स्टिल आई नेवर फेल्ट प्रिपेयर्ड. एंड आई थिंक एज एन एक्टर वो एक अच्छा फीलिंग है जब आप अनश्योर हो आपके काम को लेके, व्हेन यू आर नॉट श्योर वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग और नॉट. एंड दैट्स द फीलिंग आई हैड थ्रू आउट दिस फिल्म. आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है. एक तरफा प्यार जो होता है
जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, यू कान बी विद दैट पर्सन, यू नो वी नो दैट. बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कान बी विद ईच अदर. सो वो ये सब जो चीज़ें होती है आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग. ये सिचुएशंस आज के टाइम में होता है. इटर्नल लव डज, पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था तो इवन आई वॉज थिंकिंग, बट देर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड, यू नो होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर, यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल. और हमेशा करते रहेंगे बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. एंड आई थिंक लव इज लव हमारा ये जो इटर्नल मींस व्हाट फॉरएवर, लाइक अंटिल दैट यू द डे दैट यू आर अलाइव फॉरएवर एंड एवर, इवन आफ्टर यू आर प्रोबब्ली डेड एंड गॉन. बट जब आप प्यार करते हो तो आप प्यार करते हो, देन देयर इज नो थिंग ऑफ मै कम 10% कम 20% ज्यादा इन योर हार्ट और इन योर लाइफ. तो व्हेन यू फील ट्रू लव इट ऑलवेज फील्स लाइक इटर्नल लव. और हर कैरेक्टर, दिस वर्ड इटर्नल लव आई थिंक ये हर कैरेक्टर के साथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं. ये हर कैरेक्टर के साथ इट मेक्स सेंस. हर कैरेक्टर का प्यार अलग है फिल्म में और हर कैरेक्टर एक अलग जर्नी का एक अलग स्ट्रगल है फिल्म में. एंड बट इट ऑल कल्मिनेट्स इनटू इटर्नल लव एट द एंड ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन, आप सबके फर्स्ट क्लास मोमेंट्स जानना चाहेंगे ड्यूरिंग द शूट. फर्स्ट क्लास मोमेंट वरुण, मेरा फर्स्ट क्लास मोमेंट अपने सुबह के 4:30 बजे शुरू होता था जब शूटिंग पैकअप होता था एंड वी वुड हम लोग जाते थे होटल और फोन पे हम लोग 4:30 बजे तो पैकअप नहीं होता था. मतलब 4:30 बजे हम लोग ऑर्डर कर लेते थे लट्टू के सेट पे, तो होता लट्टू खेरा पे होता अपना. हां हम लोग रोज पैकअप के बाद हम लोग फ्राइड अंडा, सॉसेजेस, ब्रेड बटर, कोको पॉप्स खाते थे, साथ में खाते थे. आदि इधर बैठते थे, मैं इधर, साथ में खाते थे और फिर निकलते थे. हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत किया साथ, बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा किया. हाँ, ये फिल्म. आई डोंट रिमेम्बर. आई थिंक ऑनेस्टली डांसिंग विद डांसिंग इन फ्रंट ऑफ माय, आई थिंक या आई थिंक माय घर मोरे परदेस या मोमेंट विल बी माय मोस्ट फर्स्ट क्लास. माय फर्स्ट क्लास मोमेंट वाज दिस फिल्म ओनली आई थिंक. ओके, सो बेस्ट फिल्म मेकिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर एंड देन उसके बाद रिलीज होना वो एक अलग प्रोसेस होता है. एक फिल्म आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर, बट इलेक्शन कमीशन हैज लाइक पुट अ होल्ड ऑन दैट फिल्म टिल द टाइम इलेक्शन इज आउट. एज अ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, व्हाट डू यू गाइस हैव टू से? I think as far as when things involve the election commission, and क्योंकि elections आ रहे हैं, we have to respect these processes and we'll let it be. If obviously it's part of our fraternity, अगर fraternity के साथ if any of us get a call, if we need to help out, we will obviously. But we have to respect the jurisdiction and the law. So I think whatever the law decides has to work. Done, thank you. Done. Thank you. Come. Sorry. How you were the part of it? How happy were you that you have your film to start? Actually, it feels very surreal. Okay, already the second part is there, and we are really excited to see the trailer. I think. I think Tiger is superb. Ananya and Tara are coming in this film. And I think me, Alia and Sid, I think equally proud and happy. कभी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फिल्म करूँगा और उसका sequel बनेगा. इतना जल्दी वो भी. It feels like बहुत जल्दी. Actually 6 साल हो गए, but it feels like very soon. क्योंकि हमें अभी तक लोग student बुलाते हैं, तो शायद इसके बाद वो नहीं, मुझे लगता है वो कभी जाएगा नहीं. पर you never know. In 3 we might go back to school. Woo! Thank you guys. Guys, wait. He's been a second. Arey, aapne. I'm very happy. I've answered this question before. Thank you. They want you to fight. Thank you. Come. Thank you. He asked a lot, but he asked a hard one. Yeah.